फिल्मी हस्तियों को जब हम बड़े पर्दे पर देखते हैं तो लगता है कि काश हमारी जिंदगी भी इनके जैसे चकाचौंध से भर जाए, वो चमक दमक सब जैसे एक फेरी टेल सा है। पर अगर आप इन्हें करीब से जानेंगे तो ये भी आपके जैसे और मेरे जैसे आम जिंदगी में अलग अलग पड़ाव से गुजरते हैं। कभी कोई रास्ता आसान होता है तो कभी मुश्किलों से भरा रहता है। इनकी जिंदगी के पन्ने कई कहानियों से भरी है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। मेरे आज के मेहमान मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और इनकी जिंदगी के पन्ने इतने इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग हैं कि इनको इतने सालों से जानने के बावजूद जब मैंने इनका रिसर्च पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने एक्चुअली मेरे लिए अभी बहुत जानना बाकी है। हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स जिन्होंने हर जॉनर में हर किस्म के रोल्स किए हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस हो, डार्क शेड्स हो, नेगेटिव शेड्स हो, हर रोल में ये एक्सेल करते हैं। A perfectionist in all respects, as an actor, as a husband, as a father, and as a son. A very humble and a great, great personality to be with, Manoj Bajpai. Thank you, Manoj, for coming on Kuch Panne Zindagi Ke with Madhurima Nigam on 92.7 Big FM. Thank you, Madhu. ऐसे हम आपस में बात करते तो बड़ा अजीब सा लगता है। इसलिए मैंने कहा कि मैं मधु बोलता हूँ क्योंकि आपने मधुरिमा मधुरिमा इतना सुना मैंने। मैं खुद ही अपने नाम को इतने बार बोलती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ कि ओके आदत नहीं है। नहीं, क्योंकि अब ये बड़ा अटपटा सा ये इंटरव्यू मेरे लिए, बिकॉज मैं और हमारा परिवार और आपका परिवार या हमारे कुछ और दोस्त जो हैं लोग मिलते हैं, इतनी फॉर्मल बातचीत होती नहीं है। नहीं, मुझे याद है हम एक बार डिनर पे गए थे जी, वो लंबी सी एक टेबल थी और आप, आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट यू, और आपने इतनी अच्छी अच्छी कहानियां बताई थी आपके गांव के बारे में, आपका पूरा माहौल। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर कि आप कैसे चारपाई पे सोते थे और जब अब आप गांव में जाते हैं, पूरी सब कहानियां बताई थी। तो वहीं से शुरू करते हैं, आपका बचपन, आपका बर्थ प्लेस बिहार, बिलवा। हाँ, बिलवा। हाँ, हाँ, सही प्रोनाउंस किया। अच्छा अच्छा रिसर्च किया आपने। कुछ पन्ने जिंदगी, कमाल का समय था। वैसे पैदाइश जब मेरी हुई थी तो एक कोठी है, बहुत बड़ी कोठी है, उस इलाके में कोठी का बड़ा नाम है अभी भी, वाजपेयी जी लोग की कोठी के नाम से जाना जाता है, जिसे क्योंकि हमारा जो खानदान रहा है पुराना बहुत ही प्रतिष्ठित रहा है, काफ़ी मतलब जिनकी बड़ी इज्जत की जाती थी। एक तो जहाँ पर कास्ट सिस्टम होता है वहाँ पर ब्राह्मणों की बड़ी इज्जत होती है, ऐसे ही तो खामखा की इज्जत हो जाती है। तो वो खामखा की इज्जत भी थी, प्लस मेरे जो जो एक बिहेवियर रहा है हम लोगों के खानदान का, एक बहुत ही अच्छा रहा हमारे पूरे समाज में, तो इससे भी बड़ी इज्जत होती थी। लेकिन बंटवारे होते गए, परिवार जब बढ़ता है बड़ा होता जाता है। मेरा बचपन तो गुजरा 10 साल की उम्र तक, 12 साल की उम्र तक उस कोठी में, उसके बाद फिर हम लोग छोटे से कमरे में आ गए, फिर वहाँ से मेरे फादर वो कमरा दे करके किसी अपने कज़न को बेच दिया उन्होंने, सबसे बाहरी जहाँ पर स्टोरेज रूम था, जहाँ पर धान दाल चावल रखे जाते थे, उसके बाहर में एक दो कमरे बनाए हुए थे जिसमें कि हमारे जो मास्टर साहब आते थे पढ़ाने के लिए उनके लिए रखा गया था, तो उसमें हम चले गए। तो जो ज़िंदगी मैंने देखी है बचपन से, वो मेरे लिए जो फेलियर या कम के साथ एडजस्ट करना, या छः भाई बहन के साथ में कैसे एडजस्ट करके रहना, कैसे आपको जो है जब बुरा वक्त है तो उसमें सब्जी अगर कम आ रही है तो थोड़ा सा खा लेना सब्जी, ज़्यादा चावल दाल खाना, तो ये सब चीज़ें जो थी, जब मैं दिल्ली भी आया और जब हम लोग स्ट्रगल करते थे थिएटर करने के लिए, खाने वाने के पैसे तो होते नहीं थे, तो वो एडजस्टमेंट की आदत थी मुझे, और ये ऐसा कभी नहीं लगता था कि अरे यार बहुत मतलब कमाल का सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। आई ऑलवेज थॉट कि दिस इज द वे ऑफ लाइफ, फिर आपको लगता है कि इससे बेहतर कहीं जिंदगी है नहीं, दिस इज लाइफ एंड दिस इज द वे एवरीबॉडी लिव्स। एक तरह से ये सोच भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर लिमिटेड में जीने की आदत डाल ले तो जब आपको बहुत मिलता है तब आप बौखला नहीं जाते हैं। मेरे ख्याल से वो फैमिली के ऊपर भी डिपेंड करता है
कि फैमिली आपको कैसे रखती है। आजकल क्या है कि हर दूसरी दुकान टॉयज की है, हर तीसरी बिल्डिंग जो है मॉल है। मुझे डर लगता है कि यार इस, क्योंकि ये मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और ये हर बार इसको कुछ ना कुछ नया चाहिए, कहीं मैं इसको बिगाड़ तो नहीं रहा हूँ। मुझे अपने लिए नहीं डर लगता है, बिकॉज ऑल द पेरेंट्स विल बी डेड एंड गॉन, बचेंगे वो, तो क्या हम उनको सही कंसोलिडेशन उनका सही हो रहा है कि नहीं, बेस उनको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डर इस बात का लगता है। क्या वो इसके बाद अगर कम मिलेगा तो क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे, यू नो ऑल ऑफ दैट। वो फैमिली के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने लोगों की परवरिश करते हैं। और फैमिली जब साथ रहती है और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके जब वो कम में जीना सीखती है, तो वो फैमिली मरते समय तक साथ रहती है। और आपका तो बहुत बड़ा फैमिली था। बहुत बड़ा, पिताजी ने जो है पूरी आधी की आधी फुटबॉल टीम जो है पैदा कर दिया तो बड़ा मजा आता होगा बचपन में इतने सारे भाई बहन, बिकॉज आज के जमाने में तो सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, सब जैसे हम सब रहते हैं हस्बैंड वाइफ। मेरी बीवी को बड़ा तकलीफ होता है क्योंकि वो आती है न्यूक्लियर फैमिली से, वो दिल्ली के फ्लैट सिस्टम से आती हैं, दो दो बहनें हैं, माँ बाप और पिताजी ऐसे जो ज़्यादा उन्होंने जो है रिश्तेदारी में विश्वास नहीं रखने वाले, तो ज़्यादातर रिश्तेदारी या इन्विटेशन पे जाना और इसकी शादी अटेंड करना, उसकी शादी अटेंड करना, फादर ने कभी नहीं रखा मेरी वाइफ के, तो माई वाइफ इज कम्प्लीटली नॉट सो फेमिलियर विद दीज थिंग्स, लेकिन हम लोगों को बड़ी आदत है। मनोज बाजपाई से जानेंगे उनके बचपन का सफर कुछ ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुर मानिकम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। आई वॉज ऑलवेज अ वेरी क्वाइट चाइल्ड, छोटे से बचपन से बहुत ही शर्मिला चुप रहने वाला आदमी। मेरे दोस्त जो बनते थे वो मजबूरी में बने क्योंकि मुझे उनके साथ रहना था। एक कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 12 लोग रह रहे हैं। अब डीएन नगर में आप अगर आप जाओ, डीएन नगर में वन रूम सिस्टम, वो चौल, हाँ चौल, वहाँ रहता था मैं। उस वन रूम में अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें 10 लोग रहते थे, आप मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि उस कमरे में 10 लोग, 10 में 4 आदमी भी सो जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। तो आप कैसे रहते थे ये मैं अभी पूछना, पता नहीं पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आता कि हम रहते कैसे थे, क्योंकि हम जब सोते थे तब 6 होते थे, सुबह उठते थे 12 होते थे कोई भी आ जाता था, कोई भी आके सोता था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं इंडिपेंडेंट हुआ, स्वाभिमान सीरियल मैंने किया था जब, और मुझे लगा कि 25,000 रुपये तो यार मिनिमम आ ही जाते हैं महीने के, तब मैंने वन बेडरूम हॉल जोहरा अगाड़ी करके बिल्डिंग है यारी रोड में, वहाँ पे लिया था। बिकॉज आई वॉज डेस्परेट टू गेट इंडिपेंडेंट ऑफ माई फ्रेंड्स, आई वॉज डेस्परेट, आई वॉन्टेड टू कम बैक टू अ प्लेस वेयर इट्स क्वाइट एंड यू वर अलोन एंड वेयर नोबडी इज कमिंग एंड आई एम अलोन। बिकॉज वो मैं हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों से मिलना मुझे पसंद नहीं है। आप मेरी दोस्त हैं, आप जानती हैं मैं जल्दी बात नहीं कर पाता हूँ। मतलब मुझे आपके हस्बैंड के साथ में खुलने में बहुत समय लगा, और वो भी ऐसा ही है, सोनू भी ऐसा ही है, है ना। और मैं और सोनू जो कनेक्ट भी किए तो हमने स्पिरिचुअल लेवल पे शुरू किया था अपना कनेक्शन, हमने एज प्रोफेशनल कभी शुरू नहीं किया था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि मैं और सोनू सबसे ज्यादा बात उस समय करते हैं हम जब किसी की मौत पे मिलते हैं, या पूछना सोनू से कि हमारे पास इतने सारे कनेक्शन हैं जीवन और मौत को लेकर के बिकॉज उनका भी वैसे ही सोच, उनकी और आपकी बहुत सिमिलर पैरेलल सोच है। राइट राइट राइट। अपने स्ट्रगल के दिनों को मनोज गुरुदत्त के तरह याद ना करते हुए जॉनी लिवर के अंदाज में एंजॉय करते थे, उनसे जानेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। दिस इज अ वेरी नाइस सेंटेंस जो आपने कहा, आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ माय फ्रेंड्स। राइट। तो वो दोस्त जिनके साथ आपने वो रूम में आप रहते थे, वो वाकई आपके दोस्त तो थे नहीं, यू वुड से देवर मोर लाइक योर रूमीज, देवर माय रूमीज। कुछ एक दोस्त थे जो कि सही मायने में दोस्त, जिसको कहेंगे मेरे अशोक पुरंग है, कोई नहीं जानता है कि कौन है वो। लेकिन अशोक पुरंग जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जबकि वो मेरे साथ कभी रूम नहीं शेयर किया उन्होंने,
वो अलग अपना रहते थे, मैं अलग रहता था। और जब मैं बम्बई शुरू में आया था तब वो नहीं थे यहाँ पे, तब दिल्ली में थे। दिल्ली में भी वो ऐसे व्यक्ति थे जो शुरू शुरू से जानते थे कि ये मनोज वाजपेयी है और मुझे इस आदमी पे, इसके टैलेंट पे भरोसा है। बिना मेरे बोले हुए मेरे कमरे में जाते थे दिल्ली में। तो मेरा भाई अब मेरे साथ आ गया था, मेरे भाई को 500 रुपये देते थे और कहते थे कि, उस समय वो यूरोपियन यूनियन में काम करते थे। यूरोपियन यूनियन मतलब बिग बिग यू नो कंपनी, यूरोपियन यूनियन, वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये उस दौरान में कमाते थे वो। और 500 हज़ार मेरे भाई के हाथ में रखते थे और कहते थे कि ये मैंने मनोज से लिए हैं और ये उसको लौटा रहा हूँ मैं। वो उस तरीके से मेरी हेल्प करते थे ताकि मैं, मुझे हेल्प हो जाए, मुझे सपोर्ट मिल जाए। सो दैट गाइज सपोर्टेड मी फ्रॉम दैट टाइम बिकॉज ही ऑलवेज हैड फेथ इन मी इन माई एबिलिटी। तो आज तक मेरे दोस्त हैं। एक निखिल वर्मा है, वो थिएटर के, हमारे थिएटर ग्रुप से जुड़ा रहता था बट कभी नाटक नहीं करता था। वो हमारे थिएटर के इनविटेशन छपवाने में मदद करता था, बट ही बिलीव्ड इन मी। तो इस तरह के लोग ज़्यादा मेरे करीबी हैं जो सही मायने में दोस्त थे, भले ही मेरे रूमीज नहीं रहे हूँ। हाँ। लेकिन सही मायने में दोस्त है। मनोज बाजपाई की जिंदगी के कुछ और पन्ने और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। जो रूमीज थे उनको कैसे लगा होगा कि ये जो मनोज हमारे साथ 12-12 लोग हम लोग साथ में रहते थे, आज वो इतने बड़े फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर आप एक्टर हैं, सब आपको पहचानते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कई एक्ट्रेसेस आपके पैर भी छूते हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके ईगोज और उनके पोजीशनिंग ही अलग है। आई ऑलवेज से वन थिंग कि दिस इज नॉट अबाउट मी। आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज नॉट अबाउट मी, दिस इज अबाउट दोज एक्ट्रेसेस। इफ दे आर शोइंग रिस्पेक्ट टू एन एक्टर कॉल्ड मनोज वाजपेयी, सो दिस इज देयर परसेप्शन ऑफ मी, यू नो, एंड आई हैड डन नथिंग टू गेट दिस। दे लव्ड वर्किंग विद मी, दे लव्ड मी वॉचिंग ऑन द स्क्रीन। और जो उनको फीलिंग आई उन्होंने इतने कैमरामैन के सामने उसको एक्सप्रेस किया, दैट टेक्स लॉट ऑफ गट्स एंड करेज टू डू दैट इन एन इंडस्ट्री विच इज कट थ्रोट, जहाँ पे कोई दूसरे की तारीफ नहीं करता है। मेरे ख्याल से ये दिस इज अबाउट दोज एक्ट्रेसेस। मेरे आई एम श्योर दिस इज लाइक, ये चीज आपके लिए किसी अवार्ड से भी बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चीज। नहीं नहीं, ये सब अवार्ड्स तो हमारे कंट्री में तो अवार्ड तो छोड़ ही दीजिए, उस मतलब उस बारे में बात ना, उस बारे में फिर वो मधुरिमा के साथ में जो है वो जो बातचीत है उसका मजा चला जाएगा। जैसे ही अवार्ड का अ कोई बोलता है मेरी भड़ास निकल जाती है उसमें। हमारे सुनने वालों को भी बताया, जैसे आपने जब गैंग्स ऑफ वासेपुर किया उसमें जिस तरह का ब्लडशेड और मारपीट, खून खराबा है, वो आपने खुद अपने आंखों से देखा, आंखों से देखा है। जिस समय मैं बड़ा हो रहा था बेतिया शहर में, खून खराबा उस समय के हमारे समाज में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो यूथ बड़ा हो रहा था उसके पास डायरेक्शन लेस था, उसको पता ही नहीं था करना क्या है। 15-16 साल की उम्र के बाद उसको करना क्या है, बेतिया से निकल के उसको पटना जाने में भी लगता जैसे कि वो दिल्ली जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इस तरह की नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था। मैं 12 साल की उम्र में मैंने देखा, मैं टॉफी खरीदने गया और अचानक से पीछे दो लोग बात कर रहे थे और एक चिल्लाया मार दिया मार दिया। मैंने घूम के देखा कि उस आदमी के पेट से एक चाकू लटक रहा है, खून बह रहा है और एक आदमी भाग के दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसी आदमी ने उसको मारा था। मेरी दो बहनें, कजिन सिस्टर्स, वो बाहर गईं शॉपिंग के लिए, अचानक भागती हुई अंदर घुसी, क्या हुआ, तो हमारे सामने किसी ने बहुत बड़ी बंदूक के साथ किसी को, हमारे सामने किसी ने गोली मार दी। बहुत बड़ी बंदूक क्या थी, वो पहली बार AK-47 यूज हुआ था हमारे शहर में। इस तरह की बातें हम लोग जिस तरह के गांव में हम लोग रहते थे, मैं बड़ा हो रहा था तो मैं बड़ा बेटा था, तो हम लोगों को भी बहुत ही सतर्क रहना पड़ता था और ऐसे दिखाना पड़ता था कि हम भी बहुत बड़े गुंडे हैं, ताकि हमारी जमीन ज्यादा, घर की औरतें, हमारे सब लोग सुरक्षित रहें। और लेकिन जो वाजीपुर में दिखाया गया ना, वो धनबाद उस समय का धनबाद, वो एक अलग ही धनबाद था। जो माफिया वो शब्द की शुरुआत हुई है, आपको बॉम्बे से नहीं हुई, शुरू हुई ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये धनबाद से शुरू हुआ है।
तो पूरा माफिया कल्चर था वो धनबाद से शुरू हुआ था और वो सारा का सारा वो कोयले के बिजनेस को कंट्रोल करने को लेकर शुरू हुआ था, वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। बिहार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई तक का सफर मनोज ने कैसे तय किया जानते हैं बस मनोज से कुछ ही देर में ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुर मानेगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। जब बचपन में आप ऐसे हॉरिफिक चीजें देखते हैं तो या तो आप सही रास्ते पे चलते हैं या तो गलत जी। तो वो जो डिमार्केशन होता है और वो जो चॉइस होता है वो बहुत एक क्रूशल चीज है। एंड स्पेशली आपने जैसे कहा मैं 12 साल का था तो वो एक ट्रांजिशनल फेज होता है बच्चों के लाइफ में कि वो दिमाग में सोच लेते मुझे यही करना है या मुझे यही करना है। और आप जिस माहौल में बिलोंग करते थे वहां से क्या इसी वजह से आप निकल के आए? मैं आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया और मुझे लगता है कि मैं कितनी बार सोचने की कोशिश की मैं एक्टर क्यों बनना चाहता था और मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। मैं बचपन के उस समय में जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से मुझे चीज़ें याद हैं, तो जहाँ से मुझे चीज़ें याद हैं वहाँ तक अपने आप को लेके जाता हूँ। तब भी मुझे यही याद आता है कि मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता था। बेतिया शहर जो कि जहाँ से पटना भी दूर था, जहाँ से दूसरे शहर में जाने के लिए सोचना भी लोगों को नामुमकिन लगता था, वहाँ पर एक बच्चा एक्टर बनने की बात कैसे सोच सकता था? वो एक्टर बन ही नहीं सकता था। वो उसने सोचा कैसे? क्या ग्लैमर देख के सोचा? उस तो ग्लैमर खत्म हो जाना चाहिए था 16 साल की उम्र तक, 17 साल की उम्र तक। बाकी जो चीज कंपल्शन थे वो बहुत बड़े थे, तो बना क्यों? वो उतना ज्यादा पैशन डेस्परेशन क्यों था मेरे अंदर में बाहर निकलने का? और कैसे निकल गया मैं? टुडे आई फील दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट आउट। कैसे निकला ये मुझे भी नहीं पता कैसे। बड़े बेटे थे, अब मैं सबसे बड़ा बेटा था, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर में, और मैं सेल्फिशली निकल गया वहां से। यहाँ पर मैं डेस्टिनी और जो पर्पस ऑफ लाइफ और जिसके लिए भेजा गया हूँ शायद वही काम कर रहा था मेरे अंदर में। मुझे लगता है कि मेरे ऑलरेडी आई वॉज बॉर्न विद अ चार्ट। ये लड़का जो पैदा जो इस समय पैदा हुआ है ये यही काम करेगा और इस जगह जाके काम करेगा, ये इसकी जर्नी होगी, नहीं तो ये इम्पॉसिबल था। मेरे किसी भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना आसान है, वहां से निकल करके दिल्ली और बंबई आ पाना बहुत मुश्किल है। मनोज बाजपाई की जिंदगी के कुछ और पन्ने और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुर मानेगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। 10 साल आप दिल्ली में, दिल्ली में आप जी स्टेज के मतलब बादशाह थे उस वक्त। जी जी, इन थिएटर। इन थिएटर फिर वहां से आपने क्यों थिएटर हुआ बहुत मुझे फिल्में करनी है? मेरा अजीब सा किस्सा रहा है, मैं एक्टिंग करना चाहता था। मैंने एक्टिंग के नाम पे सिर्फ फिल्में देखी थी और बेतिया शहर में, आप बंगाल की हैं आपको पता होगा कि बेतिया शहर में जो है ना बड़ी फिल्में नहीं आ पाती थी। पुरानी पुरानी फिल्में जय महादेव भी मैंने 25 बार देखी है, हर हर महादेव, जय संतोषी माँ मैंने 20 बार देख ली और दिल दिया दर्द लिया मैंने 15 बार देख ली। क्यों देख ली? क्योंकि हमारे एग्जीबिटर के पास पैसे नहीं होते थे इतना कि वो नई फिल्म खरीद पाए और वो दिखा पाए लोगों को, तो नई फिल्म 1.5 साल के बाद आती थी। 1.5 साल तक जो है अमिताभ बच्चन का काला पत्थर का पोस्टर ही देखते रहते थे हम कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी। तो इस चक्कर में मैंने पुरानी फिल्में बहुत देखी और मैं पुरानी फिल्मों में गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा पता नहीं कितनी बार देखी, मुझे समझ में जिस एज में देखी क्योंकि रिपीट शोज में आती रहती थी वो। 8 साल का था तब आई, 12 साल का था तब आई, 14 साल का था तब आई, तो हर एज में मैंने उसको अलग ढंग से देखा, अलग ढंग से समझा मैंने। जब मैं फिल्में देखता था तो मैं परसीव बहुत ही कमाल करता था। परफॉर्मेंसेज जो होते थे तो मुझे मैं परसीव करता रहता था, मुझे सबसे अच्छी ढंग से परफॉर्मेंस ही समझ आते थे, बाकी मुझे कुछ और समझ नहीं आता था जिंदगी का कुछ भी। मुझे मैथ्स नहीं समझ में आता था, मुझे साइंस नहीं समझ में आता, मुझे लगता था कि मुझे तो यही करना है। आई यूज टू फील अट्रैक्टेड और जैसे ही दी एंड आता था ना मेरा, मैं उदास हो जाता था, मैं डिप्रेशन में चला जाता था। कम से कम अगले 2 घंटे के लिए मैं डिप्रेशन में रहता था कि फिल्म खत्म हो गई। और जब शुरू में वो कार्ड दिखाते हैं ना, सेंसर बोर्ड का कार्ड दिखाते हैं फिल्म डिवीजन का, तो उसमें मेरी ध्यान रहता था कि वो कितने लेंथ की है। अच्छा। जैसे ही लिखा हुआ था 18 रील, मैं 18 रील की है ये ना शोले 24 रील, ओ माई गॉड 24 रील की है, मतलब इट विल बी अ लॉन्ग लॉन्ग फिल्म, यू नो इट्स अ लॉन्ग हनीमून। इस मतलब इतना मजा, मतलब मुझे उस पूरे उसमें रहने में बड़ा मजा आता था। और क्यों गया मैं दिल्ली आया था थिएटर करने के लिए,
नसरुद्दीन शाह साहब का इंटरव्यू पढ़ा था मैंने एक हिंदी मैगजीन में, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेशनल स्कूल ड्रामा से है। फिर राज बब्बर साहब का एक इंटरव्यू था कि नेशनल स्कूल ड्रामा से, अनुपम खेर साहब का, आलोक नाथ, इन सब लोगों का इंटरव्यू मैं हिंदी मैगजीन में पढ़ता था। मुझे लगा कि यही जगह है जाने की, और इसलिए जाऊँगा ताकि पहले मैं सीखना चाहता हूँ एक्टिंग। मैं बॉम्बे ऐसे नहीं जाऊँगा, पूरी तैयारी से जाऊँगा बॉम्बे मैं। लेकिन जब थिएटर करने लगा तो 10 साल थिएटर कर गया, उसके बाद मैं फिल्में भूल गया, मैं बॉम्बे आना नहीं चाहता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं बॉम्बे बिल्कुल ही नहीं आना चाहता। मैं गरीबी में रह रहा था, मैं थिएटर कर रहा था, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन लास्ट थिंग जो मेरे दिमाग में था बॉम्बे था, मैं आना नहीं चाहता था। मुझे सिनेमा से मेरा मोह ख़त्म हो चुका था, मुझे आई वॉज़ इन लव विथ थिएटर। मुझे लगा कि यार एक्टिंग करना चाहता था ना, ये कर रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है मुझे। फिर शेखर कपूर ने कहा, बैंडिट क्वीन में मुझे मेरी कास्टिंग हुई, और शेखर कपूर ने सारी की सारी 80% कास्टिंग वहीं से की थी। सबसे पहली कास्टिंग मेरी हुई। शूटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि यार यू गाइज हैव डन सो मच ऑफ थिएटर, मुझे जो देख रहा हूँ मैं, आई थिंक यू गाइज आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसके बाद शादी करोगे, बच्चे होंगे, बीमार पड़ोगे, पैसा कहाँ से आएगा। एंड उन्होंने हमारे साथ 2 घंटे बैठ करके काउंसलिंग की हमारी, एंड आप विश्वास नहीं करेंगी, जितने लोग थे बैनेट क्वीन में, शेखर कपूर की बात सुनने के बाद डर गए और डर करके बम्बई आ गए। हमने कहा शेखर से कि भाई आप ये बताइए कि हम वो काम करना ही नहीं चाहते जो बॉम्बे में हो रहा है, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा सीधा है, आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम जो काम आप करेंगे उसके पैसे तो मिलेंगे, यहाँ तो जो आप कर रहे हो उसके तो कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, है ना। आई वी रियली गॉट कन्विंस। तो मैं और सौरभ शुक्ला सबसे पहली ट्रेन, हम दोनों ने आपस में बातचीत करके कि अच्छा पश्चिम एक्सप्रेस जाती है तू चलेगा, अच्छा 12 तारीख को जा रही, हाँ चलेगा, ठीक है मैं लगा देता हूँ, तू मुझे पैसे दे देना। अच्छा वहाँ पे कैसे करेंगे, तो वहाँ पे वो विनीत है, विनीत से, अच्छा विनीत के यहाँ बस बात कर ले विनीत से कि उसके घर पे रहेंगे 10 दिन में हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, अपना घर ले लेंगे। सो ये सारा हमारी प्लानिंग करके हम लोग वापस यहाँ पे बॉम्बे टपक गए। जब आप आए 10 दिन तो हुए, उसके बाद आप शिफ्ट कैसे हुए फिर? आप 25 दिन लग गए, और विनीत जो है डेस्परेट होने लगा, अब निकलोगे कम तुम्हें, अब तुम लोग निकलोगे कब, 10 दिन बोले थे, 10 दिन बोले थे, सुबह से शाम तक तुम लोग पड़े रहते हो। तो खैर हम लोगों को डीएन नगर चौल में मिला, और जो पैसा मिला था बैंडिट क्वीन से वो हमने इन्वेस्ट किया, डिपॉजिट दिया, और 1 साल का किराया दे करके हम लोग शिफ्ट कर गए वहाँ पे। और 1 साल के बाद क्या होगा हमको नहीं पता था। इट वॉज डिफिकल्ट, आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ वॉज माई इनिशियल डेज ऑफ मुंबई, बिकॉज काम नहीं था वहाँ, तो थिएटर करते थे तो भूल जाते थे, देयर वॉज नो मनी फॉर फूड, देयर वॉज नो मनी फॉर अल्कोहल। अपने स्ट्रगल के दिनों को मनोज गुरुदत्त के तरह याद ना करते हुए जॉनी लिवर के अंदाज में एंजॉय करते थे। उनसे जानेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। दिस होल स्ट्रगल ऑफ योर्स, इट्स बीन वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, और वो दौरान आप शायद इसी वजह से यू कुड सर्वाइव, बिकॉज आप उसको इतने अच्छे तरह से विद पॉइज, डिग्निटी, फन। यार सम टाइम यूज्ड टू ब्रेक डाउन, आई वुडंट से दैट यू नो देयर वाज नो मोमेंट ऑफ गुरुदत्त, यस देयर वाज अ टाइम, बहुत बड़ा गुरुदत्त मोमेंट भी सुना है। मतलब देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब आपको लगता था कि शायद आप इतने अच्छे नहीं है जितना आप सोचते हैं। और सबसे बुरा क्या होता है ना कि आपको अपने आप पे डाउट आना शुरू हो जाए, और वो डाउट आपके कारण नहीं आ रहा है, बाहर के फोर्स से आ रहा है। व्हेन यू आर नॉट गेटिंग वर्क, 1 साल 2 साल 3 साल तक सोच सकते हो कि यार चलो दे आर नॉट, मतलब मुझे ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यू नो मैं कितना बड़ा एक्टर हूँ, इनको समझ में आता आ नहीं रही है, एक दिन समझेंगे ये। और ये तो वो जो वो एक स्टाइल भी है। लेकिन कभी कभी जब समय जब ज्यादा गुजरना शुरू होता है, एंड देन इनसिक्योरिटी जो है आपके अंदर आने शुरू होती है, सेल्फ डाउट आना शुरू होता है, आई टू हाउल। कमरे में कोई लड़का नहीं होता था, कोई आया नहीं होता था शाम तक। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं एक बार इतना रोया था सिर्फ ये सोच के कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ जितना मैं सोच रहा हूँ। वो जो डिसोल्यूशन होता था ना अपने आप को लेकर के, वो बड़ा अजीब लगता था। वो कभी कभी जो है एक बार खत्म हो गया ना, हाँ। उसको जैसे ही कोई दूसरा बंदा बोतल लेके आता था उसके बाद सब खत्म, सब भूल गए। पर उस दौरान आपने स्टेज क्यों नहीं किया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने का। मैं पृथ्वी थिएटर गया 1-2 बार। हम लोग दिल्ली में एक बहुत ही प्योरेस्ट थिएटर करते थे,
बहुत ही प्योरेस्ट, बहुत ज़्यादा। तो मैं आया था उस तरह के थिएटर से, और इनके थिएटर करने का अंदाज़ अलग था बॉम्बे का। एक कारण ये था कि मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था यहाँ के थिएटर से, और दूसरा कारण ये था कि सडनली मंटोरियन हो ना, अब एक बार मेरा ये था कि एक बार ठान लिया कि अब फिल्मों में ही काम करूँगा तो फिल्मों में ही काम करूँगा। वो भी रहा कि वंस आई लेफ्ट थिएटर आई लेफ्ट इट फॉर गुड, वो था मेरे अंदर में। एक मेरा दोस्त पीछे पड़ा हुआ है मनोज जोशी, जो कि बहुत बड़ा थिएटर एक्टर है यहाँ का, और वो मेरे पीछे पड़ा है कि एक प्ले करना ही है, मैं तुमसे करा के रहूँगा। वो दो तीन दिन में आ रहे हैं स्क्रिप्ट मुझे नरेट करने के लिए। आपको करना चाहिए मतलब। तो मैंने कहा कि मैं आई गिव इट अ शॉट, इफ मतलब इफ आई लाइक द स्क्रिप्ट, देखते हैं क्या होता है। मनोज बाजपाई की जिंदगी के कुछ और पन्ने और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुर निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। मैं बोलता हूँ तो बहुत सारे क्या मैं कहूँगा, मोस्ट ऑफ द सिनेमा के लोगों को पसंद नहीं आती है बात, जिन्होंने थिएटर नहीं किया, लेकिन सिनेमा एक्टर का मीडियम है नहीं, और ये बात जल्दी कोई एक्टर आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है। ये टेक्निकल मीडियम है सिनेमा, और हम उसके एक हिस्से हैं। उसमें हिस्सा होता है डायरेक्टर का, उसमें हिस्सा होता है कैमरामैन का, उसमें हिस्सा होता है साउंड वाले का, उसमें हिस्सा होता है एडिटर का, उसमें हिस्सा होता है पोस्ट प्रोडक्शन वाले का, कई सारे देन एग्जीबिटर का, देन डिस्ट्रीब्यूटर का, प्रोड्यूसर का। हम सिर्फ एक हिस्से हैं, वी आर नॉट एवरीथिंग, बट इन थिएटर we are everything. Once the light goes off and the stage lights are on, it's only actor, 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 actor and nothing else. जो जितना चैलेंज आपको थिएटर करता है एक एक्टर को, जितना एक्टर लेता है थिएटर से या देता है थिएटर, उतना जो है सिनेमा नहीं। सिनेमा कामचोर बनाता है एक एक्टर को। आपकी बुरी परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई जा सकती है, अच्छी परफॉर्मेंस को बर्बाद किया जा सकता है अगर बुरा एडिटर हो, बुरा साउंड डिजाइनर हो। आपके साथ ऐसे हुआ है? कितनी बार लगता है कि अरे यार यहाँ क्यों काट दिया, अरे उसके बाद मेरा वो रिएक्शन सही था। तो ये सब चीजें बहुत होती हैं। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल आया मेरे दिमाग में, जिनको हम हमारे इंडस्ट्री में कहते हैं स्टार्स, राइट? स्टार्स के साथ आपने काम किया है, कभी ऐसे लगा कि ऑब्वियसली कई स्टार्स से आप कई ज्यादा बेहतर एक्टर है, तो उनके वजह से आपको मतलब आपके रोल काट दिए गए या एडिट कर दिया गया है? नहीं, बहुत बार। अगर सबसे मुश्किल होता है एक कमर्शियल फिल्म करना मेरे जैसे एक्टर के लिए, सबसे मुश्किल काम होता है ये, एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मैं जब सात उचक्के करता हूँ, या मैंने फिल्म जो तब्बू के साथ की है वो, या फिर मैं ट्रैफिक करता हूँ, ये इस तरह की फिल्में करने में मुझे आसानी होती है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कॉन्टेंट बेस्ड फिल्में हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में हैं, तो इसमें ये सब चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एक कमर्शियल फिल्म करते हो, तो मुझे पता है कि ये एवरीथिंग विल रन अराउंड द स्टार, एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड द स्टार हीरो। जैसे साउथ की फिल्में ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा, कोई बहुत पसंद करने वाला, मैं चाहने वाला मुझे मिलता है डायरेक्टर, जबरदस्ती करता है जाकर कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं हीरो गारू आ गए, हीरो गारू आ गए, हीरो गारू आ गए, हीरो गारू आ गए, हीरो गारू। मैंने कहा आ गए तो आ गए भाई, मतलब क्या हो गया, आ गए तो अच्छा है, बढ़िया है, अब शूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना डरा क्यों रहे हो कि हीरो गारू आ गए, मतलब इतना हवा क्यों क्रिएट कर रहे हो? उसी तरीके से यहाँ पे तो मुझे दिक्कत इस बात की होती है कि हर चीज़ उनके चारों तरफ चल रहा होता है, तो मैं वही स्क्रिप्ट करता हूँ जहाँ पर मेरा रोल उस बराबरी का है, और जहाँ मुझे पता है कि मेरे एक सीन को भी काटने में इनकी जान निकल जाएगी, जो कि स्टोरी से इतना जुड़ा हुआ है। बहुत कम फिल्में मैं करता हूँ, और ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं फिल्मों को करूँ जो कंटेंट एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। मनोज बाजपाई की जिंदगी के कुछ और पन्ने और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुर निगम और 92.7 बिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। हर किरदार को जो आपने निभाया है वो लगता है रियल है। जी जी, क्योंकि जिंदगी इतनी जी है ना, अब उसी उन्हीं लोगों के बीच से आते हैं। आज भी वो मेरी मजबूरी है मधुरिमा। मुझे जैसे मैं सुबह सुबह उठते हैं, हम लोग आवा को स्कूल छोड़ते हैं बहुत बार, आवा को स्कूल छोड़ने के बाद, और मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि जानबूझ करके ड्राइवर को मैं सुबह सुबह नहीं बुलाता हूँ।
सो दैट कि वो मुझे समय मिले गाड़ी चलाने का, एंड सो दैट इतना झगड़ा वगड़ा करते हैं हमारे बीवी और हम जो है बहुत झगड़ा करते हैं और तो कुछ एक मोमेंट हो जहाँ पे रोमांस का भी होना चाहिए, है ना, टुगेदरनेस का भी होना चाहिए, तो वो अच्छा समय होता है। अब बेटी को अपने स्कूल छोड़ा और हम लोग शास्त्री नगर में, वो चाय की दुकान है वो नुक्कड़ वाला, वो आज भी वहीं पे है, मैं रहता था शास्त्री नगर में, वो हमारे घर में चाय ला के देता था, उस समय आई वॉज डेटिंग शबाना, उसके पास में गाड़ी लगा के उसके पास लोगों से बात करना, शबाना गाड़ी में बैठी रहती है, मैं बातें करता हूँ, चाय पीता हूँ, समोसे खाता हूँ सुबह सुबह, वो बिकॉज वो मेरी मेरी इनर नीड है मेरी, मतलब अगर मैं इन लोगों के साथ में नहीं उठूंगा बैठूंगा ना, मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा, अगर मैं शबाना मुझे कहें कि जरा ये सामान लेके आ जाओ बाजार से, अगर मैं वो नहीं लेके आऊं तो शायद आई विल नॉट बी द सेम एक्टर, बिकॉज आई गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर, दे आर माई ऑक्सीजन, यू नो द पीपल आर माई ऑक्सीजन। तो आपके घर जाते मैं हमेशा आपको भी बोलती हूँ कि यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू हस्बैंड्स जिनको घर का हर चीज पता है, शायद शबाना से भी ज्यादा पता हो कि कहाँ कौन सी चीज पड़ी है, कहाँ ये फोन वहां से लेके आओ, ये वहां से निकाल के लेके आओ, हर चीज का आपको पता होता है और बहुत अच्छा लगता है ये देख के भी, क्योंकि जनरल एक मेंटालिटी है स्पेशली हमारे कंट्री में कि आदमी जो है वो कुछ ना करे। मैं और शबाना बहुत झगड़ा करते हैं लेकिन उसके बाद ही मैं क्रेडिट उसको दूंगा शबाना को, बिकॉज शी मेक्स इट श्योर कि वो कहती है कि यार कम से कम आई वॉन्ट आवर टू रिस्पेक्ट यू, तुमको करना पड़ेगा ये, अगर तुम नहीं करोगे तो शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू, क्योंकि वो कहेगी कि मेरी माँ ही कार करती रही, विच इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंडली मैंने अपने फादर, मेरा घर था ना 6 भाई बहनों का परिवार, तो मेरी माँ जो थी ना वो मर्द थी घर की, अब मेरे पिताजी औरत थे, बाप को जो है ना घर के अंदर जितना काम करते हुए देखा है वो आप शबाना से कभी पूछ सकती हैं। मेरे शबाना हमेशा कहती है कि नन ऑफ यू ब्रदर्स आर लाइक योर फादर, मतलब ही इज बीन सो एक्टिव इन द हाउस होल्ड, है ना, तो आप भी तो वैसे ही हैं, तो वैसा बनने की, लेकिन बीबियां जल्दी तारीफ नहीं करती है ना, बीबियों के दोस्त हमारी दोस्ती जो है तारीफ करती है, कोई बात नहीं, हम ही कर रहे हैं ना। पर अब जब हम शबाना की बात कर रहे हैं जी, शबाना एक एक्ट्रेस है, बिल्कुल मुझे पता है, आपने अपनी शुरुआती लाइफ जो है आपने किसी को रोमांसी नहीं किया, नहीं, वो आप अपने शाय नेचर कहें या आपका थॉट प्रोसेस, हाँ, अंदर ही कहें कि अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर मर जाते थे लड़की पे, और लड़की तब तक दूसरे से शादी कर लेती थी। हाँ, वहाँ आप गुरुदत्त बन जाते थे ना, मतलब ऐसा रहा है कि बोल ही नहीं पाते थे, कि बड़े शहरों का जो रिवाज था ना, बहुत सालों तक तो समझ ही नहीं आया कि लड़की को अच्छा लगेगा अगर मैं जाए कहूँ कि यू लुकिंग प्रिटी, मुझे लगता था थप्पड़ मारेगी। ये कई साल के बाद जाके एहसास हुआ, किसी दोस्त ने कहा अबे पागल है क्या, तुझे कोई कहे आकर के कि तू अच्छा लग रहा है तो तू किसी को थप्पड़ मारेगा, तो लड़की क्यों थप्पड़ मारेगी। पर गांव में तो ऐसे ही हो ना। हाँ, गांव में तो लोग उसका मतलब अलग निकालते हैं, तो इस उस जगह की पैदाइश हो, क्या कहेंगे आप। मनोज बाजपाई की जिंदगी के कुछ और पन्ने और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुर निगम और 92.7 पिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी, तो जब आप एक्टिंग में आए, आपने फिल्में की, आपके इर्द गिर्द इतने सारे खूबसूरत हीरोइंस, तो तब भी किसी को आपने पसंद नहीं किया? नहीं, आप ये मेरी बीवी ने कहा एक दिन, मनोज आप थोड़ा सा ना बैकवर्ड तरीके से बिहेव करना बंद करो, इसीलिए हीरोइनें जो है ना आपसे ना दोस्ती करती हैं, है ना, ना आपसे अच्छे से बात करती हैं, क्योंकि आपको आता नहीं है लड़कियों से बात करना। यू कम अक्रॉस एज अ रूड पर्सन, है ना, नहीं दोस डेज। अच्छा, तो आप जो है थोड़ा सा अच्छे से जाके बोलो, हाय हाउ आर यू, यू आर लुकिंग प्रिटी, you know your dress is nice, जाके बातें करो। I cannot imagine you doing that. I can't imagine. कुछ दिन तक जाके बोलने बोला, हाय हाउ आर यू, कम से कम बातचीत बढ़ा। आपने बिल्कुल सही कहा, सारे हीरोइंस जिनके साथ मैंने काम किया सिर्फ उसमें मेरी एक ही दोस्त बनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज तब्बू, क्योंकि तब्बू बिंदास है, जिनके साथ जिनकी रिस्पेक्ट करती है, जिनके साथ खुलती है, तब्बू बिंदास है, नहीं तो वो भी अपने घर में ही रहती है, वो ज्यादा किसी से मिलती नहीं है। रवीना उस सेट पे जो है
बहुत समय के बाद शूल जब मैंने की थी तो अनुराग कश्यप ने कहा, अनुराग कश्यप वॉज द राइटर एंड ही वॉज हेल्पिंग अस इन डायरेक्शन, अनुराग कश्यप ने कहा कि अरे जाके मिला कीजिए आप, आप जो है पहले से इंडस्ट्री में हैं, मनोज से आप बात नहीं करती हैं, आपको मिलना चाहिए। अब मैं कैरेक्टर में बैठा रहता था, कैरेक्टर पूरे समर प्रताप सिंह बन करके पूरे दिन ऑफ द कैमरा ही बैठा रहता था। तो अनुराग कश्यप ने मुझे बोला कि रवीना ने कहा हु यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट साइकोपैथ। परसेप्शन चेंज एंड देन मैं अक्स कर रहा था, तो अक्स में फ्लैम्बॉयंट फ्लर्ट यू नो, तो माय बिहेवियर वाज कंप्लीटली डिफरेंट। फिर आप उस कैरेक्टर में थे। तो उस कैरेक्टर में था मैं, तो सडनली रवीना ने मुझे देख के कहा Is this the real side of you or that was the real side of you? मतलब वो कंफ्यूजन में थी कि यार कौन सा मनोज बाजपेयी को मैं सही मानू, है ना? एंड देन रवीना बिकेम फ्रेंड बिकॉज ऑफ अक्स। मेरी वाइफ से उस दौरान में आज से करीब 12 साल पहले किसी ने इंटरव्यू किया था ना, वो रीडिंग एन इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू कोप अप विद मनोज बाजपेयी, मतलब वो तो यार हर फिल्म में जो है कैरेक्टर के हिसाब से रहते हैं। शबाना ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि यू नो इज़न्ट इट अमेजिंग दैट यू गेट टू लिव विद सो मेनी पीपल। उनकी बीवी शबाना और उनकी बेटी आवा नायला से जुड़ी कुछ याद भरे पन्ने मनोज के साथ ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 पिग एफएम। कुछ पन्ने जिंदगी के। पार्टी में मिले, फोन नंबर मैंने उनसे भी नहीं लिया था, मैंने किसी और से लिया। पार्टी में खूब सारी बातचीत की हमने, तभी मुझे लग गया कि इससे शादी करनी है मुझे। अच्छा। हाँ, एंड बाद में शबाना ने बताया कि शबाना को भी यही लगा कि इससे शादी करनी है, वो कुछ डेस्टिनी का चक्कर था। अचानक से सब चीजें बननी शुरू हो जाती है, देन यू गैदर द करेज ऑल्सो। फिर अपने कॉमन फ्रेंड से दो उसका नंबर लिया शबाना का, फिर मैंने फ़ोन किया, फिर फ़ोन पे बातचीत होने लगी। उस तरह कभी ये नहीं बोला कि यू आर लुकिंग प्रिटी एंड दिस एंड दैट, कभी नहीं। अभी बोलते? अभी तो बोलना पड़ता है, बुलवा लेती है अब तो। पर आप लोग दो अलग अलग रिलीजन से हैं जी, उसके ऊपर से वो एक्ट्रेस है जी, तो आपकी फैमिली जो है उन्होंने कैसे उनको एक्सेप्ट किया? माय फादर हैज बीन वेरी ओपन, और जो मैंने बोला ना आपको कि उनको फर्क ही कभी नहीं पड़ा कि लोग क्या कहें क्या नहीं कहेंगे। वो कहते हैं यार अपनी जिंदगी जियो यार, सिर्फ जब गांव में आओ तो मैं जिस तरह से बोलूँ ना उस तरह से रहो, बिकॉज यहाँ पे मुझे आंसर करना पड़ता है। बाकी यार तुम लोग जैसे ही यहाँ से गाड़ी में बैठो उसके बाद से जैसे जीना वैसे जियो, फिर मैं देख लूंगा इन लोगों को। यहाँ पे आओ तो जिनको मैं कहूँ कि प्रणाम कर लो प्रणाम कर लो, मैं जिस तरह से कहूँ कि भाई चले जाओ वहाँ से हट जाओ तो मैं वहाँ से हट जाओ, तो ये लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे। आफ्टर दैट द होल वर्ल्ड इज योर्स, लीव दिस प्लेस, बस यहाँ पे बिहेव कर लो एक बार। तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंडली क्या है कि फादर की बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर में आई कि हम लोग रिलीजन कास्ट इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे हैं। आपके घर में भी इतना अच्छा होता है, आप हर फेस्टिवल मनाते हैं जी, सारी फेस्टिवल मनाते हैं हम, हमेशा ईद पे जाते हैं आपके वहाँ, दिवाली पे आपके सब होता है। That's a very nice thing. आपकी बेटी जो है आवा, आवा नायला, ये नाम जो मुझे हमेशा से मैं पूछती हूँ, it's a very unique name. दो नाम है हमें बेटे के लिए और बेटी के लिए, दोनों के लिए नाम, पांच पांच नाम मैंने, शबाना ने कहा था कि 5-7 names you just you know sort out और रख लो, मैं चूज करूंगी कि उसमें उसी में से रखूंगी। सो तुम्हारे भी रहे मन का रह जाएगा, मेरे भी मन का रह जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब लड़की हुई तो करीब 5-6 नेम्स थे जिसमें आवा था और नायला भी था। शी सेड आवा अच्छा है और नायला अच्छा है, सो वी कुड नॉट मेक अप आवर माइंड की। अब मैं चाहता था कि पर्शियन नेम हो, और पर्शियन नेम हो लेकिन काफ़ी उसमें उर्दू का ये नहीं हो कि हमीद हबीब इस टाइप का, हबीबा इस टाइप का नहीं हो। मैं चाहता था कि शबाना की तरफ से ना वो बिकॉज शी इज़ फ्रॉम पर्शियन ओरिजिन, तो उस वहाँ से आए, तो आवा ज़्यादातर नाम पर्शियन थे जो रखे थे मैंने, तो ऐसा नाम हो जो लगे नहीं कि पर्शियन है लेकिन स्टिल इज़ द पर्शियन। तो आवा है, और आवा संस्कृत में भी है। अच्छा। संस्कृत में वाटर है और पर्शियन में चिड़िया की तरह, लाइक अ बर्ड। और नायला का मतलब है
गुड बिगिनिंग. ओके, सो दोनों नाम बड़े पसंद आए हमें. हमको समझ ही नहीं आ रहा, तीन दिन तक सोचते रहे क्या रखें क्या रखें क्या रखें. देन वी केम अप विद दिस आइडिया कि नायला इसका मिडिल नेम रख देते हैं. आवा जी पहला नाम पहला नाम रख देते हैं, आवा नायला बाजपेई. बहुत अच्छा. और आपकी बेटी बहुत प्यारी है. थैंक यू. इतने पोजेसिव फादर है, बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत पोजेसिव है. तो आप, आई होप यू आर प्रिपेयर्ड कि आज से 15 साल बाद आपको बहुत झटके लगने वाले हैं. तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट और आर यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ एवरी डे फॉर इट? मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों को लेकर के दिक्कत नहीं होगी उसके, लेकिन मुझे सिर्फ कि हमेशा मैं डरता हूँ एक ही बात कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए. तो मुझे उसकी बड़ी परेशानी रहती है. तो आई वुड नेवर लाइक हर टू बी हर्ट, दैट्स इट. लेकिन वो तो इमोशनल हर्ट तो आएगा, वो तो जिंदगी का हिस्सा है. दैट वी कांट टेक. यू आर अ ब्रिलियंट फादर. थैंक यू. आई सीन यू विद द चाइल्ड हैंड्स ऑन एंड यू आर वेरी स्ट्रिक्ट फादर, जिस वजह से कई बार आपकी बीवी को भागना पड़ता है. राइट. इट्स अ प्लेजर टू सी द वे द टू ऑफ यू हैव स्पेंड द फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ हर लाइफ इन कंप्लीट सॉलिट्यूड. Complete solitude, complete solitude. और जैसे अभी भी बात करता हूँ मैं कि यार तुम जाओ, तो मैं जब रहा करूँ यहाँ पे, यू जस्ट टेल मी कि कुछ काम आता है. तो अभी उनको कम से कम बहुत बड़े बिग प्रोडक्शन हाउस जिसको कहा जाता है, यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ से एक साल में 3 बड़े सीरियल का ऑफर आ चुका. शी डजंट डू इट. फिल्म का ऑफर आता है कोई रोल का, शी डजंट डू इट. शी सेज कि अगर आई हैव टू लीव आवा देन आई लीव इट फॉर अ बिग थिंग, not True. for anything which is not that big. Right. She's already surrendered to the idea ki mujhe aava ke sath rehna hai jab tak aava jab tak reh sakti hai. Ek aakhri sawal, ek actor aur ek dusra actor, matlab aapki biwi, dono creative minds. Right. Jis waqt aapne Shabana se shaadi ki, ji, she was A star. Yeah. She had done one of the biggest films. Yeah, yeah. तो उनके लिए उनके करियर को बिल्कुल गिव अप करना एक बहुत बड़ा स्टेप रहा होगा. कभी इस वजह से आप दोनों में कभी हम जब झगड़ते हैं, बोलते हैं मैंने तो वो छोड़ दिया तुम्हारे लिए. हाँ, नहीं लेकिन ये नहीं हुआ था, क्योंकि हमने बच्चे के लिए तभी सोचना शुरू किया when Shabana thought कि this is it. Now I can go ahead because अब समय हो गया कि मेरा वो भड़ासा निकाल लिया, अब मैं बच्चा रख सकती हूँ. तब जाकर के बच्चा किया, नहीं तो कभी भी हम तो यहाँ तक मेरा अपने दिमाग में था कि अगर बच्चा नहीं होगा तो कोई नहीं होगा. शी शुड नेवर फील दैट शी हैज सैक्रिफाइस फॉर अ किड, क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है. जहाँ पे औरत ये सोचे कि उसने जो है बच्चे के लिए ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं किया, है ना? It has been such a wonderful conversation. Thank you. I hope you had as much fun as lovely time. मतलब I can't believe that हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं. हाँ, मुझे तो लग रहा है हम तो जैसे आपस में बात करते हैं वैसे बातचीत. पर बहुत मजा आया और इतनी सारी नई नई चीजें आपके बारे में पता भी चला. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग अप. एंड जैसे कि मैं कहती हूँ, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधु रिमा निगम ऑन 92.7 बिग FM. थैंक यू मधु. कुछ पन्ने जिंदगी के. अगले हफ्ते जो मेरे खास मेहमान हैं, वो सिर्फ मेरे लिए ही खास नहीं है बल्कि दुनिया भर में वो मशहूर है शांति और खुशियाँ फैलाने के लिए. वो दुनिया भर में सिखाते हैं कि जीवन जीना कैसे है. जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु श्री श्री रविशंकर, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ऑन 92.7 बिग FM.